अरुषा टीवी अपडेट के साथ शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबरें। हमारे साथ रहें और अरुषा टीवी देखते रहें। मेन जीटी रोड तरनोल और एडवर्च के सामने मशहूर और मरूफ शनवारी रेस्टोरेंट बनू बीफ पुलाव और बनू बीफ पुलाव दम पोख्त नमकीन गोश्त दस्तयाब है। बेहतरीन इंतजामात, लजीज और जायके से भरपूर डिशेज और ज़बरदस्त सर्विंग सर्विस के साथ घर जैसा माहौल और घर जैसी लज्जत से भरपूर खाने। शनवारी रेस्टोरेंट बनू बीफ पुलाव पर तशरीफ लाएं और आला क्वालिटी के खानों से लुत्फ उठाएं। हर तरह की तकरीबात का अरेंजमेंट और खूबसूरत इवेंट हॉल मौजूद है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अमर खान शनवारी। जी शनवारी साहब, ये कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं होटलिंग का काम? ये होटल जो है हमारा, इसमें तीसरी नस्ल है हमारा जो इस होटल के फील्ड में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस महंगाई के दौर में ये होटल पे लोग आ रहे हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने ये नया ब्रांच खोला है तरनोल फाटक, ये 26 नंबर के साथ तरनोल फाटक में। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अच्छा चल रहा है कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जो है वो नूरुल्लाह रशीदी साहब का एक प्रोग्राम है यहाँ पर, किताब की रुनवाई कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छी गैदरिंग होगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। इधर हमने पहले भी फ़लस्तीन के बारे में हमने इधर प्रोग्राम किया था, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और जितने भी मेहमान आए थे सब खुश थे। और अभी जो हम किताब के और गुरबत के खात्मे के जो प्रोग्राम है, तो इसके हवाले से इंशाल्लाह तमाम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह जी। शनवारी साहब, ये क्या पक रहा है जी, क्या बना रहे हैं? ये जी हमारा शनवारी का स्पेशल डिश है जना, सालेम दुम्बा दम्पो। अच्छा। इसमें हम तरीकाकार ये है कि हम इनको 4 घंटे पहले मसाला लगा के 4 घंटे मसाले में रहता है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें हम चावल डाल के और ड्राई फ्रूट डाल के और इसको जो है ना हम सिलाई कर रहे हैं, ऊपर से सी रहे हैं इसको। जी जी। अच्छा, तो दोबारा इसको आग में फिर रखा जाएगा? इस पे 4 घंटे हम स्टीम लगा के दम लगा के इनको तैयार करेंगे। अच्छा, ये 4 घंटे में तैयार होगा? जी जी। ठीक।